खबर बड़वानी से। नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ उतरे मोटर चालक संघ की चेतावनी, 1 जनवरी से बसों पर नहीं जाएंगे हड़ताल करने का दिया संकेत। बड़वानी शनिवार शाम को जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पर चालक परिचालक संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए गाड़ी ड्राइविंग को लेकर नए कानून बदलाव के खिलाफ वाहन चालक बगावत पर उतर आए। बस चालक परिचालक समिति जिलाध्यक्ष जाहिद पठान ने बताया, नए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के कारण गरीब वाहन चालक 7 लाख रुपये जुर्माना कहाँ से लाएगा। 10 साल की जेल का भी प्रावधान नए कानून में किया, इस वजह से वाहन चालक 1 जनवरी से सांकेतिक रूप से हड़ताल पर रहेंगे। नए कानून के प्रावधान के अनुसार चालक घायल को अस्पताल ले जाता है तो सज़ा कम मिलेगी। हालांकि दुर्घटना होने पर लोग वाहन चालक की गलती मानकर मारपीट करते हैं, ऐसे में वाहन चालक खुद पीड़ित बन जाता है। आक्रोशित भीड़ चालक के साथ मारपीट करती है जिससे चालक की मौत भी हो सकती है। हम सभी चालक परिचालक बस स्टैंड परिसर में इकट्ठा हुए हैं इस काले कानून के विरोध में, जो अमित शाह जी द्वारा लागू किया जाना है। ड्राइवर को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, कुछ भी उसके हिट एंड वो होता है तो उसमें ड्राइवर को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। तो ड्राइवर के साथ में अगर ऐसा होता है तो 10 साल वो जेल में रहेगा और 5 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से लाएगा। उसने ड्राइवर ने कभी 1 लाख रुपए तो इकट्ठे देखे नहीं है। 500 रुपए रोज वो मात्र कमाता है, उसमें उसकी रोजी रोटी चलाता है और अकस्मात कुछ हो जाता है तो वो ड्राइवर के ऊपर ही केस बनता है। जबकि छोटी गाड़ी वाले की गलती होती है या बाइक वाले की गलती होती है और उसकी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसमें चालक कोई दोषी माना जाता है। तो हम इस काले कानून का विरोध करते हैं और हम हमारी स्वेच्छा से 1 तारीख से बस से नहीं जाएंगे। अभी किस तरीके से जाम करेंगे? हम अभी कोई चक्का जाम नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हड़ताल से हम नहीं जा रहे हैं, हम हमारी स्वेच्छा से बस पे नहीं जाएंगे। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।